आइए ब्लॉग में भी ले लेते हैं आपको। मोबाइल आया नहीं कि ब्लॉग स्टार्ट हो गया फ्रंट कैमरा से, अभी। फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं। आप चमक रहे हो। हाँ अब ठीक आ रहे हो। तो नवरात्रि आने वाला है, दाढ़ी मूंछ बुझा के बना लेना, फिर 10 दिन तक नहीं बना पाओगे, बोल दिए ब्लॉग में। अभी 3 दिन है नहीं तो बनाना है। 10 दिन में अगर साधु बाबा बन जाओगे ना, तो वो भी हम दिखा देंगे कि हमने फर्स्ट डे ही बोला था, नहीं किए, आपकी गलती। कोई नहीं तो चलता है, 10 दिन में क्या कल होगा। संडे है ना, बताओ। मैं ना कोशिश करती हूँ कि कोई भी ना नया काम मैं सैटरडे को ना करूँ, लेकिन कम वक्त मेरे साथ ऐसा होता है कि नया मोबाइल भी आया तो सैटरडे को ही आया है। जो आदमी जिस चीज से भागता है ना वही चीज उसके पीछे हाँ यार, दौड़ाना पड़ता है, मैं जितना ऐसा क्या ज्यादा ना रखना आपसे चाहिए। भागती हूँ ना, मेरा पीछा आप ही करते हो दौड़ दौड़ के। हाँ सही बात, सही बात है। बताओ, इतना मत पीछा करो, हम भागते हैं। बच्चा बच्चा उधर सोया हुआ है, उसको नहीं देख रहा। बच्चा देखे, बच्चा तो एकदम बच्चे हो गई है। बच्चा तो अच्छे ना रहेगी। अब इसको सीखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है, कैसे यूज करें। अच्छा उसमें एक उसमें सिनेमेटिक वाला है, एक बार उसको क्लिक करके। अब हो गया, आप बाय बाय इसके लिए, ब्लॉक के लिए। साधु बाबा को इसमें साफ दिख रहे हैं, लेकिन आप हम साफ है भी क्या, नजरों में बस गंदगी भरी हुई है। नजरों में गंदगी। किसके नजरों में? मेरी नजरों में बोल रहे हैं क्या? A few moments later. स्माइल नहीं कर रही है। तो हम लोग असेंबली आए हैं, आज ही मोबाइल आया और अभी 1 घंटे पहले ही आया है, वो है लेके आए। तो हमने ऑर्डर किया है कचौड़ी चाट। वैसु यम्या यम्या, तो सेकंड आया है पानी, सॉरी दही पूरी। इधर देखो, इधर देखो। हेलो बोलो, हेलो। किसी तो मम्मा को। वाह, तो वैष्णवी की चाचू से बात कर रहे थे, बात करते करते ना फिर हम लोग बाहर निकलने वाले थे, लेकिन वैष्णवी सो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले करके हम लोग आए। फिर यहाँ पे हमने अपने देखा रेस्टोरेंट में चाट पूरी और कचौड़ी चाट खाए। उसके जस्ट ऊपर ही ना ये एक शॉप खुला, भी न्यूली ओपन हुआ है, 1-2 मंथ ही हुआ है। यहाँ पे हमने काफ़ी शॉपिंग कर चुके हैं, वैष्णवी का छोटे बच्चों का ही मिलता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहता है बेबी कार्ट का है, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ, लुक की बात करूँ तो औसम में को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जिसकी वजह से हमने वैष्णवी के मतलब अच्छे खासे शॉपिंग कर ली। यहाँ पे वैष्णवी मस्ती कर रही है, लेकिन हमें ना नाइट में कहीं इनवाइट किया गया था तो वहाँ जाना है। आई मीन बोल सकते हैं कि मीटअप बिहारी लोगों का ना, ये सारी चीज़ें होने वाली है, सारे बिहारी वहाँ पे मिलने वाले हैं, तो यहाँ से हम जस्ट बाहर वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ होता है ना कि आप देख रहे हो ना कि मतलब आंटी को हाथ पकड़ के मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो हुआ कुछ ऐसा ना कि रास्ते में आते टाइम छोटे बच्चे ने, साइकिल वाले ने मतलब आंटी को ठोक दिया, जिसकी वजह से आंटी गिर गई थी, और आंटी तो बुज़ुर्ग है ना तो उनके पैर में ज़्यादा चोट आ गई है, और क्या बताऊँ प्रॉब्लम हो गई, उनका पैर में भी सूजन आ गया, पेन भी हो रहा था, लेकिन वो घर के पास ही गिरे थे। इसकी वजह से ना हमने आंटी से बोला भी कि आंटी घर चलते हैं और रेस्ट कीजिए, घर पे कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे अपन कि ये ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आंटी ने बोला कि नहीं बेटा, कोई प्यार से बुलाया है और हम लोग के लिए तो रखा गया है, तो चलो चलते हैं। तो इसकी वजह से ना, और वहीं पे ही हुआ था मतलब जहाँ पहुँचने वाले थे उसके जस्ट नीचे ही, तो इस वजह से हम लोग ऊपर आ गए। और यहाँ पे कुछ गेम खिलाया जा रहा है, ये जो आपने पर्चा देखा ना, पता नहीं ये मतलब मैंने आज से पहले तो नहीं खेला कभी, लेकिन यहाँ पे ना फर्स्ट विनर मेरे हस्बैंड रहे, ये वाला पर्चा देख रहे हो ना, फर्स्ट वाला विनर ना मेरे हस्बैंड रहे, और सेकेंड इसमें 2 गेम खिलाया गया था, टोटल 2 ही गेम था, एक ये पर्चा वाला जिसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, दूसरा चेयर वाला, तो उसका विनर मैं ही रहती हूँ, जो कि
मैंने हाँ यहाँ पे जितने भी फंक्शन मतलब जो भी चीज़ हुआ ना जिसमें जो जो भी पार्टिसिपेट किया जितनी चीज़ यहाँ दिखाया गया है ना और डांस वांस सब कुछ यहाँ पे होता, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सब ने, तो हमने सारा एक सेपरेट ब्लॉग डाल के डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ना सबसे लास्ट में हूँ करके, तो यहाँ पर भैया ने बोला था कि सुप्रिया तुम पूरा वीडियो बनाना करके, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना कैमरा मैन बने हुए थे इसकी वजह से, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये भी आपको अगर सुनना होगा ना तो उस वाले ब्लॉग में दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके सुन लेना। मैं बस यहाँ का ना एक छोटा छोटा क्लिप डाली हूँ जो कि हमने उस वाले ब्लॉग में नहीं डाला है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ डाल रही हूँ, बाद बाकी आप वहाँ वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो, जो कि मीटअप रखा गया है वो है, देन यहाँ पे डांस वांस हुआ था वो है, चेयर मतलब चेयर वाला जो गेम है ना उसमें कौन विनर हुआ और मैं कैसे विनर हुई, मैं सारी चीज़ें उसमें डाल के रखी हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर देखना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड से मतलब बोला गया कि एक चीट उठाओ करके और बताना है उसमें जो भी मतलब लिखा है करके, तो उसमें ये लिखा था कि अपनी वाइफ के मतलब बारे में कि अपनी आपकी वाइफ को ना कौन सी सिटी ज़्यादा पसंद, तो मुझे वाकई में स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मैं आज तक नहीं गई हूँ और देखते हैं भगवान ने चाहा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो बस हस्बैंड को पता था तो उन्होंने तो डायरेक्ट जवाब दे दिया कि स्विट्ज़रलैंड, मेरी वाइफ को स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद ना वो लास्ट गेम ही था क्योंकि कैमरामैन मेरे हस्बैंड थे इसके लिए सबसे लास्ट में हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं, डिनर हो रहा है जो कि डिनर में यहाँ पर बिहारी सारा फूड है, आप देखो खाने को क्योंकि तो काफ़ी टेस्टी है। वैष्णवी को देखिए ठेकुआ खाने को मिल रहा है, ठेकुआ तो समझ गए होंगे बिहार का पकवान, तो ये खाने को मिल रहा है, खाने को एंजॉय करते हैं। गेम आपने देखा ही है, फिर अभी क्या क्या होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है मिलते तो ही देखो। जा रहे हैं घर की ओर, और इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक बारिश हुई थी क्या बताऊँ आपको, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और लास्ट गेम रहा म्यूजिकल चेयर जिसमें हम विनर रहे, तो एक मेरे हस्बैंड विनर रहे जिसमें 50 रुपीज मिला आपको, वाह 50 रुपीज, और हमें कुछ भी नहीं मिला लेकिन हम विनर रहे। इतनी सारी गर्ल्स में अगर आप विनर रहते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्या फर्स्ट आने में जो खुशी है ना वो क्या बताऊँ, कितने सारे लोगों में मतलब आप स्पेशल हो। Later that same evening. बंद Happy birthday! सब नाक पे ही लगा रहे हैं। उसी दिन नाइट में हम लोग जब घर वापस आ गए ना तो भैया का बर्थडे था, तो हम लोग घर पे वेट कर रहे थे 12 बजने का क्योंकि भैया का केक कटिंग था, तो ये केक कटिंग का ही वीडियो है। यहाँ पे मस्त मज़ा आ रहा था, हम लोग इतना सादा सिंपल तो बिल्कुल नहीं, तो हमने केक उठाया और भैया को ना हम मतलब वो थोड़ा सा लुक देना चाह रहे थे जोकर टाइप का, नाक पे गाल पे ये थोड़ा सा रखने, लेकिन वो पता नहीं केक जो था ना चॉकलेट वाला था जो कि पकड़ नहीं रहा था जिसकी वजह से उतना खास नहीं। ये जीजा जी हैं, दीदी उनके हस्बैंड हैं, तो यहाँ पे हम बोले कि आप क्यों ऐसे रहिएगा, आपको तो लगाना बनता ही है, तो भैया ने भी पीछे से लगा दिया। यहाँ पे
ये सारी साहिबा है वो उन्होंने भी लगा दिया। हम बोले अंकल क्यों सादा सिंपल रहेंगे, तो हमने बोला अंकल को भी लगा देती हूँ। तो हमें यहाँ पे अंकल मतलब मैंने सबको केक लगा दिया करके, और बाकी मैं बोलूँ ना मेरे को तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे केक कटिंग अच्छे से हो गया। केक कटिंग होने के बाद बोले कि थोड़ा सा डांस वांस भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ मतलब गाना सिलेक्ट कर रही हूँ किस पे डांस करे। और यहाँ पे जिया जी जो ऐसे कर रहे हैं ना वो परी आप लोग जानते ही हो ना, आंटी की जो पोती है करके। तो अभी फिलहाल यहाँ पे भाभी अपू नहीं दिख रही हूँ, उनके बच्चे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो मायके गए हुए हैं। तो मैं गाना जो सिलेक्ट किया था ना उस गाने पर ये लोग डांस करें, तो आप समझ सकते हो कौन सा गाना होगा। अभी तो वाकई बहुत ही फेमस गाना चल रहा है स्त्री 2 का सॉन्ग, उस पर डांस कर रहे हैं। फिर वहाँ से मैं घर वापस आ जाती हूँ। साइड से अवॉइड कीजिएगा, वैष्णवी बहुत परेशान कर रही हैं। ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी था, इसकी वजह से मैं बोली नहीं आज डाल ही देती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग अभी मिस नहीं करना चाहती हूँ। ये भी 3 दिन पुराना ब्लॉग है, जबकि कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही हूँ फिर भी ये मतलब पेंडिंग है करके। तो फिर भी कवरेज हो जाएगा कोई नहीं, बट आप देखो कंटिन्यू। मैं सोई हूँ शायद इसलिए सुस्ती लग रही है, हो सकता है बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है। ऊपर से आंटी गिर गई, उनको इतना चोट आ गया है, घर में आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई हूँ। और उससे पहले ठीक ही थी, तो आंटी गिरी ना वहाँ गया ना, मैं तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बट दो ही गेम हुआ ना, एक तो वो पर्चा वाला गेम हुआ था और एक म्यूजिकल चेयर हुआ, एक में आप विनर हुए और एक में हम हो गए। बहुत बढ़िया हस्बैंड भाई थी मतलब विनर हो गया, तो इससे खुशी हुई, बट फिर भी पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लग रहा है। तो जो शॉप पे गए थे ना वैष्णवी के लिए ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि मैं खाते खाते ऊपर देखी ना तो मेरे को कुछ ड्रेस अच्छे लग गए, तो हम बोले चलो घूम के आ जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ गई और वहाँ पे शॉपिंग करके आई हूँ, तो उसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, तो वो आने वाले ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी क्या शॉपिंग करके आई हूँ। और प्लस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और ऐसे ही कंटिन्यू मैं ब्लॉग रख पाऊँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्लॉग पेंडिंग रहे या फिर डिले लेके आऊँ, मैं कंटिन्यू ब्लॉग लेके आऊँगी। बस थोड़ा सा भी चीज़ों इधर उधर हो रही है जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी कोशिश तो फिर भी बहुत है कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बिल्कुल भी मिस ना करूँ। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखे। घर आने के बाद सब लोग फोटो वीडियो का डिमांड कर रहे थे, तो हमने बोला, मेरे हस्बैंड भी बोले कि चलो वो वाला ब्लॉग ना एडिट करके डाल दो या फिर सेपरेट जो भी डालना है उसको डाल ही दो यूट्यूब पे, इसी बहाने सब लोग देख लेंगे। तो इसलिए वो वाला ब्लॉग ना पहले ही चला गया है, तो आप लोग आई थिंक देख भी लिए होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग जाके देख लीजिए कि क्या क्या वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, किसमें कौन पार्टिसिपेट वगैरह किया है, कौन विनर रहा है, क्या क्या हुआ, सब कुछ वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस वजह से ही मैंने नाइट में ही मतलब रात में जग के ब्लॉग को एडिट किया, एडिट करके हमने मॉर्निंग में अपलोड भी कर दिया। सारे ब्लॉग एक दिन में ही मतलब डाल दिया है हमने, और अच्छे व्यू भी गए हैं उसमें, तो आप लोग जाके एंजॉय कीजिए बनाने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फंक्शन मैं देखी हूँ है करके। तो इस वजह से तो बहुत अच्छे अच्छे अब रील्स वगैरह भी आएंगे अभी 2-4 दिन बाद, क्योंकि अभी जो बैकअप रखा है उस पुराने वाले मोबाइल में वो पहले क्लीन कर दूंगी। हस्बैंड का बर्थडे बीता हुआ 2 दिन हो गया है, ब्लॉग अभी तक नहीं गया है क्योंकि एडिट हो चुका है, बट उसमें थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं वॉइस डालना था जिसकी वजह से वो पेंडिंग रह गया, और किसी ना किसी रीजन से ना नहीं हो पा रहा है, तो वो वीडियो है। फिर मैं कहीं गई थी वो वीडियो में, 2-3 ब्लॉग है, उसके बाद से ये वाला ब्लॉग आएगा, उसके बाद से जो भी ब्लॉग आएगा ना प्रोफेशनल ब्लॉग लाऊँगी जो कि सिंपल एंड सटीक रहेगा, जो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और अभी तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली, छठ, फिर शादी, यहाँ शादी भी अटेंड करूँगी, हल्दी मेहंदी सबका प्रोग्राम का आपको मिलेगा ब्लॉग। और फिर यहाँ से घर जाऊँगी, तो घर पे भी शादी है, बहुत सारी शादी है, तो मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती, वो सारे मतलब समझो कि 1 महीने आपको ना मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा रहेगा। फिर हमारा भी एनिवर्सरी आने वाला है, वो ब्लॉग होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं करके। और घर पे किसकी शादी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो सस्पेंस रहेगा कि मेरे मायके में शादी है तो वो किसकी शादी है, ये सस्पेंस है, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड कीजिए क्योंकि काफ़ी हम बोर कर रहे हैं। बाय एंड गुड नाइट।